We had a discussion about first higher order differential equation, specifically second order, and we started with linear second order homogeneous differential equations. And what I told you about them is the criteria by which we can diagnose a second order differential equations solution. We have three ways to answer a differential equation when we convert them into their auxiliary form as a second order differential equation can be converted to a quadratic equation of order 2. So it has three modes of solutions. When an equation is only converted to its characteristic form, second order differential equation can be converted to a quadratic equation, it will have three types of solutions, three modes of solutions. Either solutions are real repeated, real equal, and imaginary. Two cases were discussed in length in the previous lecture, and I shared a few questions with you also through your CRs. Have you got any confusion regarding the previous lecture, if any? नो सर, नो कंफ्यूजन. जबरदस्त. इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन है सर, एग्जाम के कोई 3-4 सवाल निकल सकते हैं इसमें से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. सर एक कंफ्यूजन है सर. क्या कंफ्यूजन है अरम सर? सर ना सर, मेरा नाम अताउल नूर है सर. अरम अता से सेव हुआ है, सॉरी, मेरा नाम अताउल नूर है जी सर. सर कंफ्यूजन, जी सर कंफ्यूजन ये थी कि सर आपने सेकंड ऑर्डर सिखाया था सर, उसमें थर्ड ऑर्डर भी है, यानी कि हायर ऑर्डर्स भी हैं सर, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी. देखें होता क्या है अता साहब, के जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको तो हम कह देते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर, उससे ऊपर जितनी भी इक्वेशन है दे आर जनरली और जेन्युइनली हायर ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो भी हायर ऑर्डर ही होगी. मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज लीनियर है तो हम उसको कहते हैं इट्स ऑफ पॉलीनोमियल 1, लेकिन अगर कोई चीज जो है वो यानी सेकंड ऑर्डर या सॉरी सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल की है, थर्ड डिग्री पॉलीनोमियल की है, फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल की है, तो उसको हम कह सकते हैं ना हायर डिग्री पॉलीनोमियल टर्म्स. तो ये जो आपको बताया गया है specifically we will tell you second order differential equation, लेकिन उसके बाद अगर कोई differential equation है, characteristic equation निकाल रहे हैं उसकी और वो third order है तो वो deal होगी higher order में, not in second order. It only depends number of times it differentiated. If it is of order 3 तो उसके लिए cubic equation होगी, उसकी characteristic equation. अच्छा, अब ये इसको solve करने का तरीका, कि बहुत अच्छा सवाल किया आपने क्योंकि ये question paper में शामिल है. ये एक साहब का माइक खुला हुआ है, ये एहतशाम साहब लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज बंद कीजिए इसको. सीआर साहब इनका माइक बंद करवाएं जरा. Okay, so we have the second order differential equation. As a matter of fact, its characteristic equation is a quadratic equation, a second degree polynomial. Ab, like we have a question or a characteristic equation, if roots are not reducible, what does it mean ke roots are not reducible? Or equation is not factorizable. First thing, second thing, is every quadratic equation reducible or not? Can anyone answer this question?
सर इट डिपेंड्स. गुड, इट डिपेंड्स, बट व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एवरी ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट रिड्यूसेस और नॉट? इज इट एन cosmetic condition or a ready condition that every differential equation is a reducible differential equation? Sir, substitute कर सकते हैं तो हर equation एक limit तक reduce हो सकती है मेरे ख्याल से. अगर second order, first order में तो reduce कर सकते हैं ना substitute करके. नहीं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई क्या कोई बता सकता है कि कितनी इक्वेशंस ऐसी हैं, कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी हैं जो रिड्यूस हो सकती हैं और कितनी ऐसी हैं जो इररिड्यूसिबल हैं? दिस इज द ओनली क्वेश्चन. सर आपने लास्ट क्लास में बताया था ओनली 5% ऑफ द इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल. इसी तरह से जिस तरह आपने याद रखा है इस चीज को कि 5%, ये मैंने 5% भी शायद ज्यादा बताया था, बिकॉज वी डील विद द कॉम्बिनेशंस. अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, इफ यू हैव अ चांस टू मिडिल टर्म बेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इट्स अ वेरी माइन्यूट चांस टू गेट इट डन, बिकॉज बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके बारे में जो है वो ना तो पेयर बन सकता है कोई उनका, ना उनकी कॉम्बिनेशन बन सकती है. So we take that into account के हमारे पास जो majority solutions हैं they are not real repeated or real equal. Majority यानी 99% solutions are for a quadratic equation are imaginary, unreal and complex, right? So let's start with that form of a differential equation. If solution of a quadratic equation, mainly or precisely the quadratic equation, if it is irreducible or non-factorizable. So I want to share the screen with you. Screen has been shared. Now we see these two slides which I already shared with you. See the this sort of question. And what you comment about this type, that was the third case, case number 3, and b squared minus 4ac, this part is a discriminant, this part. So if we have a discriminant lesser than 0, that means this part, it will have imaginary values in form of iota. Iota simply means imaginary values. So answer will be in that form R1 and R2 are two roots. It has two parts, real part and two imaginary parts, because roots are alpha plus iota beta, alpha minus iota beta. Now this can be in many of the cases we can write this as alpha plus minus iota beta. Iota means inside what ever be the thing in that part will be lesser than 0 or negative, right? So you get negative of a square root or the radical sign, and indirectly you get complex roots, right? So we have two things now, real part and two imaginary parts, alpha plus minus beta. Iota is a ceremonial thing just to give you the concept of equation being imaginary, right? Because this iota is ceremonially describing you the non-real property of this quadratic equation, right?
Now, if you see this thing, this can be written as e to the power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Now, this is something which we get from factorizing this differential equation, sorry, this quadratic equation. This is the case when roots are unreal, imaginary, or complex. Now, it will have three parts. First part is its real part, and we write this real part as exponent function e to the power, this is not a, this is alpha, the same real part. So it simply means e to the power real part of x plus two imaginary parts. But one thing is important to tell here, we have plus beta and minus beta, but in that form we are just getting plus signs. Why is it so? Why we are not getting a negative? Yes. A question to you, to all of you. Why we are not writing a negative with any of the terms? Here we have two terms, plus beta and minus beta. So here sine jo negative act kar raha hai, sine jo beta x hai, wo humne negative part ko sine consider kar liye. और नो ये आप उल्टा बोल गए. एक्चुअली ये हुआ है कि जो पॉजिटिव है वो साइन है और जो नेगेटिव था वो था कॉस ऑफ माइनस बीटा. तो व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस बीटा? कॉस बीटा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो एक्चुअली दिस आयोटा बीटा हैज बीन रिटन विद दिस साइन, एंड दिस आयोटा बीटा has been written with that cos. So we are not getting a negative there just because of the property of a trigonometric identities. So we have differential equations solution in terms of trigonometric function as e to the power real part of x, c1 cos of first imaginary or unreal part, plus c2 sine second unreal part, right? So that's how this 11th point is very important. You can see this point and have some sense, intuitive sense, why we are getting this answer, right? Let's take a question. See this question and just tell me what should be the answer. I already have shared these slides with you. You have to just see this answer and write it in the form which in the previous slide was given as equation number 11. G, what should be the answer? अल्फा इज 3 जी. सर द आंसर इज एक्सपोनेंट 3x ब्रैकेट e टू द पावर 3x कॉस,
यस सर, ई की पावर 3x ब्रैकेट कॉस 2x प्लस साइन 2x. गुड, बट यू विल राइट देम विद टू कॉन्स्टेंट सी वन एंड सी टू बिकॉज यस सर, यस सर, इट इज विद टू अनडिटरमाइंड कॉन्स्टेंट्स. Both the constants need to be determined but by two of the conditions that will be given you subsequently. But we have the answer of this differential equation as y equals e to the power 3x times c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Achha, can any one of you tell me about the all the properties we can have regarding this answer? ये आंसर आप लोगों के ख्याल में किस किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? मैं मेरा आप सबसे सवाल है एंड 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 हैव सम स्टूडियस अप्रोच. थोड़ा इस तरह की बात कीजिएगा कि वो एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हो. सर टू डिफरेंट रूट्स basically what this part is showing which I highlighted this part the shaded part is this a trigonometric function yes sir trigonometric function so every property which includes a wave behavior which includes a wave behavior in which you see a pattern of wave that can be described by this differential equation because answer to any differential equation is basically a criteria a phenomena so we have this if we have this part this shaded part c1 cos 2x plus c2 sin 2x if it is given every now wave behavior a spring behavior You can see when you will be given a spring, वो spring ऊपर नीचे होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि it is going up then down, up down. This is how you describe any wave equation, anything which is periodic, right? Rather than wave, you can say every periodic function can be described by this answer, which is a trigonometric function, right? So, inshallah, we'll do some models also related to second order differential equation, like we did in the first order differential equation. So, you can see more questions. Just tell me about. The characteristic equation of this second order differential equation is this reducible or irreducible? Reducible. It is readily reducible, like plus 3 and minus 2. This can be written in the form y squared plus 3y minus 2y minus 6 equals 0 and see the answer to this differential equation. Answer to that differential equation will be an exponential function, right? Now, what is that condition describing you? That condition. This one. And how a differential equation is a model. This is solution to the differential equation. This equation y of x equals c1 e to the power 2x plus c2 e to the power minus 3x. This is a model. Every condition which satisfies this model is solution to that differential equation. But why conditions are given? And we say these conditions as initial value problems because we can find two constants by these two conditions and these two conditions says if x equals 0 y equals 1 if x equals 0 derivative of this differential equation is 0 so how we can find out these two constants
simply from the first condition we can get two constants as c1 plus c2 or one equation, two unknowns. If we differentiate this differential equation, we get y prime of x 2c1 e to the power 2x minus 3c2 e to the power minus 3x. Now we can substitute these two conditions in these two equations to get two equations of the form c1 and c2, and we can easily find constants like this. C1 equals 3 upon 5 and C2 equals 2 upon 5. How they get these two constants? By solving these two equations simultaneously. Now, what a procedure they adopted, they just equated from equation number 2 values of C1 and substituted in the first equation. So we can find out solution to that differential equation, as this is called general solution or specific solution. Specifically, that differential equation, this differential equation y double prime plus c plus y prime minus 6y equals 0 at two initial conditions has a solution y equals 3 upon 5 e to the power 2x plus 2 upon 5 e to the power minus 3x. Right? Now we have a variety of questions which I shared with your CRs. If you see, if you take any of the questions which I can shared with your CRs a few days ago, exercise 10.1, methods of mathematical physics, I have this with me right now. And if you see any question, like if you take a question, question number 7, question number 7, exercise 10.1. Can anyone please repeat this question? Question number 7, exercise 10.1. CRs. Yes. Now, what should be the characteristic equation of this equation? Characteristic form of this equation? A cubic or quadratic or third degree polynomial? I think, sir, cubic. Yes, it's a cubic differential. It's a cubic equation. Like m cube minus 27 equals 0, and it can be converted to a form like a cube minus b cube as a minus b times a squared plus ab plus z. ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि क्यूबिक अगर कोई डिफरेंस क्यूब अ डिफरेंस ऑफ अ क्यूब है तो यू कैन रिड्यूस इट. नाउ वी हैव टू पार्ट्स रिलेटेड टू दिस इक्वेशन. वन पार्ट इज giving you a real solution, and second part is giving you two unreal solutions. And if you see answer to that question number 7, I also shared the answer with for this. मेरे पास तो अनम्यूटेड है वो. ठीक है. तो इफ यू सी द क्वेश्चंस, इफ यू सी एनी ऑफ द क्वेश्चन विच आई शेयर्ड विद यू, सीआर साहब अगर आप इस चीज को यहां पे लगा दें ना, क्योंकि मेरे पास ये व्हाट्सएप पे है, मैसेंजर पे नहीं है. अगर मुझसे आप ये शेयर कर लें तो मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन पे भी चला दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है आप सब लोगों के पास वो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आप लोगों ने एट द एंड ऑफ दिस क्लास आप लोगों ने अब 10.1 कंप्लीट सॉल्व करनी है, बिकॉज नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट.
कोई भी इक्वेशन आपको दी जाएगी उसके अंदर जो है वो आपके पास या तो रियल रिपीटेड रूट्स है, अगर रियल रिपीटेड रूट्स है तो बहुत आसान है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो मोड ऑफ आंसर है वो क्या होगा, लीनियर होगा. फिर इफ यू हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मोड ऑफ योर आंसर विल बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यू विल फाइंड टू डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. बट इफ योर इक्वेशन इज अनरियल, if equation gets unreal and answer if or if the answer gets unreal, you will find trigonometric solution like in the form of a wave. If you see a question number 7, you see this question, it is readily reducible. It is a complete square like r equals minus 1 and minus 1. We have two equal roots. We have two same roots. So we get a solution like this. E to the power minus x. And again you are getting e to the power minus x, but they have multiplied an additional x with this just to get two unlike answers, right? So if you see each and every question of exercise 10.1, even if it is a cubic characteristic equation, a fourth degree characteristic equation, how to solve a fourth degree polynomial, any ideas? Like we have a question, in this set of questions, like question number 9, question number 8, question number 10, 11, 12, 13, 14, 15. All questions are higher degree polynomials. So what is the procedure to solve a high degree polynomial? Any answers? Substitution. Synthetic division. Any other? अब जिसने इंटर नहीं किया हुआ, जिसने ओ लेवल्स किया हुआ है, वो उसको, मुझे नहीं लगता कि वो उसको उसने कभी नाम सुना होगा इसका, सिंथेटिक डिवीजन का. लेकिन एक नाम सबने सुना होगा, वो है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम. हैव यू हर्ड दिस नेम, रिमाइंडर थ्योरम? यस सर, मैट्रिक क्लास में हमने मैट्रिक क्लास में सॉल्व किया था. और ये ए लेवल्स वाले, ऑर्डिनरी लेवल्स वाले भी जो है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम सॉल्व करते हैं. तो सिंथेटिक डिवीजन इज अ वे आउट. हिट एंड ट्राई मेथड, अब हिट एंड ट्राई मेथड क्या है कि पागलों की तरह एक कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं और उसमें जो है वो रूट्स पुट करके चेक करते रहें कि कहां पे आपके रूट्स जो है वो जीरो आ रहे, जीरो कर रहे हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो वी हैव वेरियस मेथड्स टू सॉल्व. अच्छा, एवरी मेथड विच यू सॉल्व और विच यू ट्राई टू अप्लाई सॉल्विंग क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वार्टिक इक्वेशन इज अनग्रेडेड. क्योंकि हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे. दीज आर जस्ट मेथड्स और वेज टू असिस्ट अस. तो हमारा जो बल्क, जो हमारा जो स्टेप्स हैं, इफ वी आर सॉल्विंग अ क्यूबिक इक्वेशन, आपने दो पेज लगा के भी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर दी, स्टिल इट विल गेट अनग्रेडेड. ये अनग्रेडेड ही रहेगा बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना वॉज नॉट आर ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना करें, हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें. तो इसलिए अब आप जो अगर इसको सिंथेटिक डिवीजन लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ क्वेश्चन, आई थिंक हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये होने चाहिए, ये जो बुक के क्वेश्चंस हैं. मेरे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. सर सबा जरा पढ़िएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को. अच्छा, यहाँ पे d का मतलब है डिफरेंशियल ऑपरेटर, d by dx. तो दिस इज बेसिकली 4d 4y upon dx 4. ये d जो है यहाँ पे, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है. दिस इज नॉट डेरिवेटिव, दिस इज जस्ट द डेल ऑपरेटर. अब कैन समवन टेल मी के व्हाट इज द इनिशियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, या जिसको हम रियल रूट कहते हैं.
एक कोई भी क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक इक्वेशन हो एक रियल रूट जरूर होता है जो सेटिस्फाई करता है, बाकी जो तीन रूट्स हैं उसमें से कोई भी एक अनरियल भी हो सकता है। तो इसके ये दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू आंसर कि वो डी की कौन सी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई कराएगी। ऑब्वियसली डी इक्वल्स वन। भाई अगर अगर आप यहाँ पे इसकी जो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अगर वो बनाएंगे तो दिस विल गिव यू 4r⁴ - 4r⁴ - 3r⁴ + 4r - 1 एंड व्हाट वैल्यू ऑफ r विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, r इक्वल्स 1। तो जनरली यू हैव टू आइदर डिवाइड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉरी दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय r - 1 = 0 या फिर इफ यू आर सॉल्विंग सिंथेटिक डिवीजन तो आपको जो है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख के उसको रिड्यूस कराना पड़ेगा। तो होता यह है कि व्हेन यू ट्राई टू रिड्यूस अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल तो वो पहले उसको कन्वर्ट करता है एक रियल रूट की फॉर्म में एंड अ क्यूबिक इक्वेशन, फिर क्यूबिक इक्वेशन दोबारा से जो है वो रिड्यूस होती है। तो अल्टीमेटली यू कैन गेट टू रियल रूट्स एंड टू अनरियल रूट्स, तो आपकी इक्वेशन जो है वो अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर दे रही होती है। सो दीज आर क्वेश्चंस रिलेटेड। अब ये सिंपल एक स्टेप करने के बाद जो आपका मैथ्स है वो मैट्रिक लेवल का मैथ्स होता है या ओ लेवल्स का मैथ्स होता है। क्या आपने क्या करना है, सिंपल यू हैव टू कन्वर्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन और अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर और लीनियर टू कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म। अब वो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म अगर क्यूबिक भी है, क्वार्टिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है, तो वो सारी की सारी वर्किंग किस लेवल की है, आपके मैट्रिक लेवल की वर्किंग है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। अच्छा अब इसका मसला हल नहीं होगा ना यस सर बोलने से। मेरे ख्याल में ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन और मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 4। आप सब क्वेश्चन 4 सॉल्व कीजिए, इसका आंसर भी वेरीफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए, टेक 10 मिनट्स टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 विद ऑल स्टेप्स। इसको सॉल्व कीजिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 को। एंड यू ऑलरेडी हैव द आंसर्स। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। आई विल गेट बैक एट 10:15। You can also ask any question in between your steps if you want to ask.
सर y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या आप अपना आंसर जो है इसको सही प्रूफ कर सकते हैं कि इट इज एरर फ्री. क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि योर आंसर इज एरर फ्री? My question to you. Yes. बिकॉज एग्जाम में जो हम आपको सवाल देंगे तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ना, कि ऑल्सो चेक योर आंसर. सो हाउ यू चेक योर आंसर? यानी आंसर्स प्लीज देन मैं बताता हूँ आपको. इक्वेशन है, पुट कर दे वाई की वैल्यू. Obviously, ये अगर आप उसको differentiate कराओगे 4 times and you again substitute this answer or solution in the first equation or the standard equation and if it is satisfying, उसका मतलब क्या है कि आपका आपका solution जो है वो analytically बिल्कुल ठीक है and मतलब you have solved your answer correctly by hand or analytically. So exam के अंदर अगर ये question आता है, because मुझे नहीं लगता कि हम model solve कर पाएंगे इस तरह से. मॉडल अगर हमें एक फिजिकल क्लास में मिल जाती है तो बिलीव में हम 3-4 मॉडल तो वैसे ही कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे ऑनलाइन अगर आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा है तो सही है, जो मॉडल कर लिए आपने वो तो एग्जाम में जरूर आएंगे. इनफैक्ट 4 मॉडल्स, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एनालिटिकल सोल्यूशन है दिस इज इम्पोर्टेंट. सो इफ आंसर इज करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर आप निकालेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि सही किए या नहीं. If you again resubstitute your answers and you are satisfying them, then answer is correct ultimately. Or apparently answer अगर सही है वो लग रहा होता है सही, लेकिन वो सही नहीं होता कभी कभी. अगर आपने negative से positive की mistake भी कर दिया तो it will not satisfy. So this is how we solve a second order differential equation. और इसका एक ही method है कि आपकी जो matric level का maths है आपका और आपकी वो जो इक्वेशंस को रिड्यूस करने की टेक्निक है वो अच्छी होनी चाहिए. एवरीथिंग इज डिफाइंड कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, कितने सॉल्यूशंस होंगे, रियल कितने होंगे, अनरियल कितने होंगे. द ओनली थिंग यू नीड टू लुक इज हाउ यू रिड्यूस योर पॉलिनोमियल्स, योर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, फोर्थ डिग्री. इन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल द जी प्लीज sir, can we use synthetic division? Because sir, some equations are not reducible. So I found that synthetic division is reasonable in solving them. The only thing which is concerning for synthetic division, the initial root should be known. यही होता है ना भाई, अगर आपको पता ही नहीं है पहला रूट क्या है तो आप सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व नहीं कर सकते. तो जो पहले दूसरे रूट जिस तरह फोर्थ ऑर्डर जिस तरह हायर ऑर्डर जो है उसमें पहले आप थोड़ा सा फैक्टराइज करके एक दो रूट्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन का वो डिवाइडर जो बन जाता है ना, कर सकते हैं आप. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन देखिए मैं आपको जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप जो है सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर रहे हैं या रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यू नीड टू नो द फर्स्ट पॉलिनोमियल विच इज बेसिकली सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. ऐसा होता है. Yes, sir, बिल्कुल, बिल्कुल. और ये सिंथेटिक डिवीजन में भी ये होता है कि यू नीड टू नो द फर्स्ट रूट विच इज इनिशियली सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. अब मसला उस पहले रूट का होता है. अगर आपको वो रूट पता चल गया फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपने सिंपल डिवाइड कराना है उसको या आपने कोफिशियंट्स को किल करते जाना है, एक कोफिशियंट माइनस होता जाएगा.
तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है, अब वो जो फर्स्ट रूट आप निकालते हैं वो आप कैलकुलेटर से निकालते हैं, आप हिट एंड ट्राई मेथड यूज करते हैं. इस एक्सरसाइज में, इन दिस सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, फाइव क्वेश्चंस, एटलीस्ट पांच सवाल ऐसे हैं कि जिनके अंदर मसला इस चीज का होगा कि आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड किस रूट से के साथ करा रहे हैं. लाइक इफ आई टेक अ क्वेश्चन नंबर, लाइक इफ आई टेक क्वेश्चन नंबर 11 में ये वाला मसला होगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा मसला है इसमें. इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहला रूट क्या है, इनिशियल रूट क्या है. दिस इज डी टू द पावर 4 माइनस 4 डी टू द पावर 3 माइनस 7 डी टू द पावर 2 प्लस 22 डी प्लस 24 ऑफ वाई इक्वल 0. अब इसके अंदर आप सिंथेटिक डिवीजन तो तब अप्लाई करेंगे व्हेन यू नो द इनिशियल रूट और द रूट विच इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन इनिशियली, द पॉलिनोमियल इनिशियली. सो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है. आप हिट करके ट्राई करते हैं कि विच रूट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. और ये बात आपको पता होगी कि हर पॉलिनोमियल में कोई एक रूट उसका रियल रूट जरूर होता है. एंड इन दिस केस 99 out of 100% इज द चांस टू गेट अ रूट इन अ फ्रैक्शन, क्योंकि 7/4 भी इससे सेटिस्फाई करा सकता है, 7/3 भी सेटिस्फाई करा सकता है, 2/3 भी सेटिस्फाई करा सकते हैं. तो दिस इज द ओनली थिंग, पेपर में आप लोगों का टाइम इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने में नहीं लगेगा ज्यादा, आपको इनिशियल रूट फाइंड करने में टाइम लगेगा. तो नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. सर 11 का, जी सर 11 का -1 है और -2 है. 11 का एक मिनट मुझे देखने दे प्लीज. 11 का -1 और -2 है. 24 प्लस -1 तो हो ही नहीं सकता इसका भाई. सर 11 की बात की है ना सर. 11 का -2 हो सकता है, एक मिनट. इफ वी सब्स्टिट्यूट -1 तो 1 -7 -6 -6 और -22 -28. हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इनफ. वो क्योंकि वो ये हो रहा है कि -1, अब ये -1 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, यू डायग्नोज्ड इट वेल. लेकिन इफ यू टेक अ क्वेश्चन कि जिसके अंदर आपको इनिशियल जो इसका डिवाइजर है वो पता ही नहीं चल रहा देखने में, मतलब आपका अंदाजा नहीं हो रहा. लाइक इफ यू टेक क्वेश्चन नंबर 15 तो देखने से अंदाजा नहीं हो रहा अंटिल और अनलेस कि आप उसको सॉल्व करें. और आपको ये भी पता चल गया कि 15वें सवाल के अंदर यू हैव अ नेगेटिव इनिशियल डिवाइजर फॉर दिस पॉलिनोमियल. आंसर से देख के तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि आंसर के अंदर पहला डिवाइजर तो मौजूद होगा इसका, जो इसका रियल रूट होगा. लेकिन अगर आंसर आपको नहीं दिए हुए फिर देयर इज एन इशू. सो आप लोग अगले पूरे वीक में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. इन सारे क्वेश्चंस में से पेपर के अंदर 2 सवाल आएंगे ऑफ 10 मार्क्स. अच्छा एक चीज और जो मुझे आपके सीआरएस के साथ शेयर करनी है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो वो यूनिवर्सिटी आ सकता है. ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अगर बंद हो गई है तो आप कोई सवाल भी किसी से नहीं पूछ सकते आके. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो पूरी बारात लेके आए, आपके सीआरएस आ सकते हैं, आपके सीआरएस और एक दो लोग उनके साथ, वो मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं, आप यूबीआईटी भी आ सकते हैं, वहां पे भी आपसे जो है वो यानी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और एग्जाम पेपर आपसे मुलाकात हो सकती है. ठीक, बट टाइमिंग ऑफिस टाइमिंग्स में आप 10 to 1 आ सकते हैं, मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. सही है सर, ओके ठीक है जी. एनीथिंग एल्स सीआर साहब, अगर आप सो नहीं रहे तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, कोई और मसला है तो. नो सर, कोई इशू नहीं. ठीक है, तो आपने ये 20 सवाल सॉल्व करने हैं, सबने आंसर्स भी वेरीफाई करने हैं. ठीक है, और आई विल बी इन टच विद योर सीआरएस. कोई और अगर जी कुछ पूछ रहे हैं शायद. हाँ पूछे. जी नहीं, कौन सी बुक है 2.4, मैं जिल के या फिर मैं ये, आप मुझे इसका, आपने मुझे स्क्रीनशॉट शायद किसी चीज का शेयर किया था मुझसे, उसके बारे में पूछ रही हैं. मुझे किसी ने शेयर किया था मुझसे
2.4 का था वो. अब वो कौन सी एक्सरसाइज है ये मुझे नहीं पता इस टाइम पे. अगर क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं 2.4 के तो मुझे सेंड करें, मैं आपको बता देता हूँ. ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूँ. सर आपने 2.4 की जो है सेक्शन बी को 1 से लेकर 25 तक करने का बोला था. नहीं मैं ये कह रहा हूँ वो है कौन सी, ताकि वो केस कौन सा है, मैं ये पूछ रहा हूँ. कौन से नॉर्मली एग्जैक्ट है? यस सर एग्जैक्ट तो मैंने कराए थे क्लास में, वो तो करना है आपको. आगे नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे मुझसे वो शेयर कीजिए आप, ताकि मैं बताऊं क्यों नहीं हो रहा है. अगर वो टाइप मैंने करवाई नहीं है तो फिर आप छोड़ दें वो. अगर मैं करवा चुका हूं, अगर वो होमोजीनस नहीं है, सेपरेबल नहीं है, बर्नौलीज नहीं है, तो फिर आपको वो सॉल्व नहीं करना है. अगर वो इनमें से कोई है तो फिर सॉल्व करना है. आई एम नॉट सर्टेन के वो क्वेश्चन कौन से है. सर आपने 9.6 भी दी थी सर, अपना एस एम यूसुफ की बुक से सर, उसमें भी बर्नौली के क्वेश्चंस थे काफी ज्यादा. हाँ जी वो करवाए नहीं थे मैंने क्लास में सर. सेक्शन बी को शायद नहीं करवाया सर, कंफर्म नहीं है तो वो सर उसमें कंफ्यूजन था. सर बर्नौली नहीं करवाए थे आपने? नहीं करवाए थे, नहीं करवाए थे तो नहीं देंगे. ये मॉर्निंग वाले बोल रहे हैं ना मेरे ख्याल में सर. इवनिंग सर? अरे इवनिंग में मैं खुद करवा के गया था भाई, आखिरी दिन लास्ट टाइम. सर आपने कहा था कि मैं करवाऊंगा फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई थी. नहीं करवाए थे, नहीं करवाए थे सर. अरे करवाए थे भाई. नहीं करवाए थे आपने? क्या हो गया? इवनिंग में तो मैंने करवाए थे. आई एम नॉट सर्टेन कि मैंने मॉर्निंग में कराए हैं कि नहीं. सर नहीं करवाए थे सर. सर याद अच्छी तरीके से नहीं करवाए थे. ये अरीशा साहिबा बैठी हुई है, ये इनकी कॉपी के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, इनके पास होगा. तुम लोग एक काम करना, जिस दिन यूनिवर्सिटी आओ ना अपनी नोटबुक्स लेके आना जिसमें सॉल्व करते हो, मैं तुम लोग को बता दूंगा. अगर नहीं करवाए थे तो नहीं होंगे इंशाल्लाह. सर अभी हमारे पास ये नहीं लिखी हुई उसमें सर, कैसे करवा होंगे? अरे यार मुझे याद आ रहा है ना इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने उससे पहले इनसे बुक जो है पिक्चर लेके सेंड की थी इनको, तो वो मेरा टारगेट था कि मैं सॉल्व कराऊंगा. अगर नहीं कराए तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने कराए थे. फिर करवाए होंगे सर आपने? मुझे याद आ रहा है, हो सकता है नहीं कराए हो, क्योंकि 26 नवंबर की डेट है. अब 26 नवंबर और आज क्या है, 9 जनवरी है, तो काफी टाइम, इतनी मेरी याददाश्त भी नहीं है कि मुझे याद हो सब कुछ. नहीं कराए थे तो इंशाल्लाह नहीं होंगे पेपर में. मैं सिर्फ वो क्वेश्चन दूंगा जो मैंने खुद क्लास में करवाए थे. आपको 2.4 में क्वेश्चन नंबर 26 के बाद कह रही है ना आप? हाँ 26 के बाद नहीं करना है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व हो रहे हैं, ये आपने नहीं करना है, छोड़ दें इनको. ये मैं ये जो मॉर्निंग वालों से बात कर रहा हूँ सर, इससे पहले वाले सब करने हैं. 1 till 26 करने हैं आपको, दैट्स इट. इंशाल्लाह ये 1 से 26 तक करते करते आप लोगों का दम निकल गया होगा. सर पेपर जो है मुश्किल होगा? बहुत आसान होगा पेपर, ऐसे लगेगा जैसे हलवा खा रहे हो. सर मतलब ये 26 क्वेश्चन, मतलब जो आप क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं कि क्लास में करवाएं, अगर उनकी प्रैक्टिस करके आ जाएं तो हो जाएगा पेपर? देखो एक तो सबसे पहले अपने दिल से ही दिमाग से सवाल निकाल दो कि वो सवाल जो मैंने क्लास में कराए हैं वो पेपर में दूंगा. मैंने कहा है कि जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैं पेपर में दूंगा. यानी कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन. यानी आप सिंपल गूगल करो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको वो पता नहीं कितने सवाल उठा के दे देगा. तो आपने टॉपिकल तैयारी करनी है. आपके पास 2 रेफरेंस बुक्स हैं, इनफैक्ट 3, SMU, 2 जिल और एस एम यूसुफ और अरविंद क्रेजिक भी. क्रेजिक, जिल और ये जो है आपकी एस एम यूसुफ, इसके अंदर से जितने टॉपिक्स करेंगे आप,
अभी तक हम लोग ने 5 टॉपिक्स किए हैं, तो हम आराम से 5 सवाल बना सकते हैं ऑफ 14 मार्क्स ईच, और बाकी जो हम लोगों ने जो है वो सॉरी 20 नंबर का एक सवाल भी हो सकता है, 2 घंटे का पेपर है तो 20 नंबर का एक सवाल भी अगर हो जाए तो भी आप लोगों का जो है वो आप लोगों का वो काम निकल जाएगा। फिर ये है कि जो असाइनमेंट्स है, अब असाइनमेंट्स के मार्क्स में आई एम इंटेंडिंग टू गिव यू एन असाइनमेंट जिसके 10 नंबर हो, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ये 10 नंबर तो सबको मिले, और अगर किसी की शॉर्ट कमिंग है पेपर के अंदर तो वो असाइनमेंट की वजह से पास हो रहा हो। मैं तो चाहता हूँ कि 20 नंबर का असाइनमेंट हो जिसमें आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ताकि जो बहुत सारे बल्क क्वांटिटी ऐसी है कि जो 5-10 नंबरों से फेल हो रही होगी, लेकिन अगर असाइनमेंट के उनको मार्क्स मिल जाए तो वो पास हो सकते हैं आराम से। तो ये मैं आपके सीआरस के साथ डिस्कस कर लूंगा, देन आई लेट यू नो इंशाल्लाह। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ क्या पार्ट है। इक्वल टू के बाद वाला कौन सा? 10th क्वेश्चन। अच्छा, इक्वल टू के बाद जो है ना, ये जो लिखा हुआ है y डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स डैश एंड y ट्रिपल प्राइम ऑफ 1 इक्वल्स, इन दोनों को आप 0 कंसीडर कीजिए, ठीक है? इसको 0 कंसीडर कीजिए, क्योंकि हमारे पास यहां मसला नहीं है, मसला डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर वो नजर नहीं आ रही फिर मसला है। ये तो आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसके वो C1, C2, C3, C4 की वैल्यूज निकालेंगे ना तो 4 इक्वेशंस आएंगी, इनमें मसला नहीं होना चाहिए। ये आप लोग ये ऐसा काम होता है कि इसके लिए कुछ स्ट्यूपिडी होगा कि जो मैनुअली सॉल्व कर रहा है, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा इसको। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नजर नहीं आ रही किसी भी वजह से फिर इश्यू है, ठीक है? इजाजत है भाई, अल्लाह हाफिज। सर जी सर, जो आपने शुरू से सर जो असाइनमेंट हमें दिए हुए थे सर, उसके भी मार्क्स होंगे ना सर पेपर में? जी सर, वो कितने मार्क्स का है सर? यार मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। सर वो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने असाइनमेंट से शुरू से दिए हुए हमें वो 2.4 2.5 ये जो हम लोग एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, इस के भी मार्क्स होंगे सर? इसके मार्क्स होने चाहिए बिल्कुल। ये अब आप लोगों के सीआर पूछेंगे कि कितने मार्क्स हैं, या उनको हम बताएंगे, वो हमें बताएंगे क्या पोजीशन है, लोग सॉल्व भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उठा के 20 नंबर डाल दिए और पता चला किसी ने सॉल्व भी नहीं किए तो बेचारा पास होते होते भी फेल हो जाएगा, तो वो हम इंशाल्लाह उनसे डिस्कस कर लेंगे। ये नौमान साहब से लोग सॉल्व तो कर रहे हैं सर? नहीं, वो आप कह रहे हैं ना, वो आप कह रहे हैं, हम तो सीआर साहब से पूछ लेंगे बस, जो हमें वो बोलेंगे, जो क्लियर पिक्चर देंगे। देखें, आई एम हेयर टू असिस्ट यू, मैं चाहता हूँ आप सब पास हो, मैं नहीं चाहता कि आप सब फेल हो जाएं। तो इसलिए अगर ये चीज ज्यादा ग्रेडेड होगी और लोग सॉल्व नहीं कर रहे तो फिर इश्यू होगा उनके लिए, तो आप सॉल्व करते रहें, हम इसको ग्रेडेड ही करेंगे एट द एंड। 20 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर हम रखेंगे इस चीज के, जस्ट टू गेट यू थ्रू। ठीक है सर, वो काफी ज्यादा फाइल हो गई है। अच्छा, वो मोटी फाइल का फायदा ये भी होगा कि पेपर में आपके लिए सवाल करना आसान होगा। यस सर प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं पढ़ता ना, कि इंस्ट्रक्टर को कोई सीरियस लेता है। यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह हाफिज़ सर।